हेलो दोस्तों, आज हम आपको ऐसे शहर के बारे में बताएंगे जिसमें हिंदुओं के शव जलाए नहीं दफनाए जाते हैं। जानिए क्यों शुरू हुई ये प्रथा। भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में एक अनोखी परंपरा का पालन पिछले 86 वर्षों से किया जा रहा है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन यहाँ पिछले 86 सालों से हिंदुओं को कब्रिस्तान में दफनाया जा रहा है। जहाँ 86 साल पहले कानपुर में हिंदुओं का एक कब्रिस्तान था, वही अब ये बढ़कर 7 हो चुके हैं। आखिर क्यों यहाँ खोदी जाती हैं हिंदुओं की कब्रें, आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। कानपुर में हिंदुओं का प्रथम कब्रिस्तान 1930 में बना। इसकी शुरुआत अंग्रेजों ने की थी। वर्तमान में यह कब्रिस्तान कानपुर की कोका कोला चौराहा रेलवे क्रॉसिंग के बगल में है और अयोध्यानंद महाराज कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है। फतेहपुर जनपद के सौरख गाँव के रहने वाले स्वामी अयोध्यानंद दलित वर्ग के बड़े रहनुमा थे। कानपुर प्रवास के दौरान साल 1930 में स्वामी जी एक दलित के बच्चे के अंतिम संस्कार में शामिल होने भैरव घाट गए थे। वहां अंतिम संस्कार के समय बंडे बच्चे के परिवार की पहुंच से बड़ी दक्षिणा की मांग रहे थे। इस बात को लेकर अयोध्यानंद की पिंडों से बहस भी हुई। इस पर पिंडों ने उस बच्चे का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। पिंडों की बदसलूकी से नाराज अयोध्यानंद महाराज ने उस दलित बच्चे का अंतिम संस्कार खुद विधि विधान के साथ पूरा किया। उन्होंने बच्चे की बॉडी को गंगा में प्रवाहित कर दिया। स्वामी जी यही नहीं थमे, उन्होंने दलित वर्ग के बच्चों के लिए शहर में कब्रिस्तान बनाने की ठान ली। इसके लिए उन्हें जमीन की जरूरत थी। उन्होंने अपनी बात अंग्रेज अफसरों के सामने रखी। अंग्रेजों ने बिना किसी हिचक के कब्रगाह के लिए जमीन दे दी। तभी से इस कब्रिस्तान में हिंदुओं को दफनाया जा रहा है। 1932 में अयोध्यानंद जी की मृत्यु के बाद उनके पार्थिव शरीर को भी इसी कब्रिस्तान में दफनाया गया। इस हिंदू कब्रिस्तान की प्रथा दलितों के बच्चों की कब्रों से शुरू हुई थी। अब यहाँ हिंदुओं की किसी भी जाति के शव दफनाए जा सकते हैं। बीते सालों में यह कब्रिस्तान सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं है, अब यहाँ हर उम्र और जाति के शवों को भूमि प्रवाहित किया जाता है। 1930 सेकंड की इस कब्रिस्तान की देखभाल पीर मोहम्मद शाह का परिवार कर रहा है। पीर मोहम्मद शाह ने बताया, हम यहीं पैदा हुए, आज मेरी उम्र करीब 52 साल है। मैं 12 साल की उम्र से पिताजी के साथ यह काम कर रहा हूँ। अब इस कब्रिस्तान की देखरेख मैं ही कर रहा हूँ। मेरा काम यहाँ आने वाली डेड बॉडीज को दफनाना और कब्रों की देखरेख करना है। पीर मोहम्मद के मुताबिक यहाँ सिर्फ हिंदुओं के शव दफनाने के लिए आते हैं, मुसलमानों के नहीं। दिन भर में 2-5 बॉडी आ जाती हैं। हमें आज तक यहाँ कोई दिक्कत नहीं हुई। कभी किसी ने यह नहीं कहा कि तुम मुसलमान हो, यहाँ क्यों हो। हमें भी कभी अजीब नहीं लगा कि हिंदुओं के कब्रों के लिए क्यों काम कर रहे हैं। कुछ अन्य फैक्ट्स, अंतिम संस्कार के लिए यहाँ पंडित नहीं आते, मुसलमान ही करवाते हैं अंतिम संस्कार। अगर किसी कब्र पर 2-3 साल तक कोई देखरेख के लिए नहीं आता तो उस कब्र को खोद दिया जाता है। नई कब्र बनाने के लिए पहले मिट्टी मृतक के घर वाले देते हैं, उसके बाद कब्र खोदने वाले डेड बॉडी को दफन करते हैं। दफनाने के बाद डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए रसीद दी जाती है, उसे नगर निगम में दिखाकर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। यहाँ अंतिम संस्कार के समय कोई पूजा पाठ की विधि नहीं होती, बस अगरबत्ती जलाई जाती है। कानपुर में अब हिंदुओं के 7 कब्रिस्तान बन गए हैं। यहाँ दफनाने में कुल 500 रुपए लगते हैं। पुरानी कब्र से निकली अस्थियों को गड्ढा खोद कर गाड़ दिया जाता है। 1931 में पहली बार यहाँ अशोक नगर इलाके की 15 वर्षीय लड़की को दफनाया गया था। 1956 में भिखारी दास और उनके पुत्र वंशी दास को यहाँ दफनाया गया। इस वीडियो में इतना ही। हमारी और भी आश्चर्यजनक अद्भुत एवं रोमांचक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।